बहुत ही बड़ा अपडेट आया है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी यूएई वीजा को लेके। क्या है वो इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर आपको जानना है तो मेरे साथ देखते रहिए ये वीडियो। और मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप बिना स्किप किए ये वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। हे हेलो, वेलकम टू माय चैनल दुबई देसी। जैसा कि आपको पता है, आज मैं बताने वाली हूँ जो गवर्नमेंट अपडेट आया है यूएई वीजा को लेके, क्या है वो अपडेट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यूएई पे अगर आप कोई भी काम करते हो या फिर कंपनी खोलते हो, कोई भी हम लोग को जो वीजा मिलता है वो या फ्री जोन से मिलता है या फिर मेनलैंड का जो कंपनियाज है वहां से मिलते हैं जो भी वीजा है। यूएई में ऐसे 40 फ्री जोन है और उसमें बहुत सारे कंपनीज है, और जो फ्री जोन का वैलिडिटी है वो अभी यूएई गवर्नमेंट ने कम करके 2 साल का कर दिया है। पहले 3 साल का था, अब उसको कम करके 2 साल का कर दिया गया है। और ये जो नया चेंज हुआ है ये इफेक्टिव होने वाला है अक्टूबर से, ऐसा ही अपडेट आ रहा है यूएई गवर्नमेंट के तरफ से। पहले क्या होता था, पहले जो मेनलैंड के जो कंपनीज है उनको जो अगर वर्क वीजा मिलता था वो मिलता था 2 साल का, और जो फ्री जोन में कंपनीज है वो अगर वर्क वीजा को किसी भी इंसान को देते थे उसका वैलिडिटी रहता था 3 साल। तो अभी ये जो नया रूल यूएई गवर्नमेंट में लाया है ताकि ये स्टैंडर्डाइज कर सके, दोनों भी जो फ्री जोन में है या फिर मेनलैंड पे है उनको स्टैंडर्डाइज कर पाए। तो इस वजह से जो वैलिडिटी है फ्री जोन कंपनी जो वीजा देती है उसको कम करके 2 साल कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन की जो फ्री जोन अथॉरिटीज के पास से आया है। क्या है वो इंफॉर्मेशन, देखिए, जिनको वीजा ऑलरेडी इशू हो गया है, मिल गया है, उनका जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक का ही रहने वाला है। लेकिन अभी जो लोग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनको जॉब मिल गया है और वो कंपनी जहाँ पे उनको जॉब मिले वो फ्री जोन पे है, कंपनी अगर आपको वीजा के लिए अप्लाई करती है, जो आपको नया वीजा मिलेगा वो 2 साल का मिलेगा, 3 साल का नहीं मिलेगा। सोच लीजिए कि अगर आपने रिसेंटली ऑलरेडी वीजा अप्लाई कर दिया है और आपका जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वो फाइनल स्टेज पे चला गया है, ई स्टिकर भी प्रोसेसिंग हो गया है, एमिनेट जो आईडी है उसका एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गया है 3 साल के लिए, लेकिन जो वीजा प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन है वो आपको 2 साल का ही मिलेगा, और फ्री जोन जो अथॉरिटीज है ये ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है जो कंपनी ने आपके लिए वर्क वीजा अप्लाई किया है उनको, जिनके पास ऑलरेडी जो फ्री जोन के कंपनीज का वर्क वीजा है वो जब रिन्यू भी करेंगे आपका वर्क वीजा तो आपको 3 साल का वीजा नहीं मिलने वाला है, आपको वो रिन्यू करके 2 साल का ही मिलने वाला है। फ्री जोन अथॉरिटीज ने ऐसा भी कहा है, जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है कंपनीज ने आपके लिए 3 साल का वीजा और आपका वीजा फाइनल स्टेज पे भी होगा, तो बाकी जो रिमेनिंग 1 ईयर का पेमेंट है वो बैक कर देंगे कंपनीज को, क्योंकि आपको जो वीजा मिलने वाला है वो 3 साल का नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वो 2 साल का ही वीजा मिलने वाला है। तो ये था इम्पोर्टेंट अपडेट जो यूएई गवर्नमेंट के तरफ से आया है। अगर आपको अभी कोई भी जॉब वीजा मिलता है कोई भी कंपनी से तो आपको 2 साल का ही मिलेगा, 3 साल का नहीं मिलने वाला है। और ये था आज का अपडेट। अगर आपको मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पे आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे ये वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।